देखिए अब फाइनली डायरेक्टर ओम राउत ने अपना रिएक्शन दे दिया आदि पुरुष को इतना नेगेटिव या ट्रोल होने के ऊपर, लेकिन भैया मुझे इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कुछ ऐसा ये बोल देंगे। देखिए सबसे पहले ओम राउत ने अपने आप को बचाओ की आदि पुरुष के विजुअल लेकर इनसे मीडिया वाले पूछ रहे थे अपने फिल्म ऐसा एनिमेटेड विजुअल क्यों रखा जो दिखने में कोई कार्टून से कम नहीं लग रहा है। तब इसको पर ओम राउत बोले, देखिए भैया हमने आदि पुरुष को छोटे स्क्रीन वालों के लिए नहीं बनाया, हमने कल बिग स्क्रीन के लिए बनाया आदि पुरुष को, और अभी जो लोग 3D में सिनेमा को देखेंगे, यानी कि भैया आदि पुरुष इज नॉट मेड फॉर अस, ये उनके लिए उन्होंने बनाया है जो काफी ज्यादा पैसे वाले हैं, वही सिर्फ आदि पुरुष को देख सकते हैं IMAX 3D में। भैया मुझे ओम राउत से ऐसी जॉब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर मीडिया इनसे विजुअल के बाद रावण के ऊपर सवाल पूछने लगी, सर आपका आदि पुरुष का रावण क्यों नहीं लग रहा है, क्यों जनता उसको अलाउद्दीन खिलजी बोल रहे हैं। तब ओम राउत साहब बोले, देखिए रावण क्या है, रावण एक बुराई का चेहरा है, आज के जमाने में इससे अच्छा बुराई का चेहरा हमने नहीं देखा, और हमें रावण को एकदम क्रूर और भयंकर बनाना था, इसलिए ऐसा लुक हमने रावण को दिया। और साथ में इन्होंने यह भी बोला, कौन अलाउद्दीन खिलजी टीका करता है, महादेव शिव जी की पूजा करता है, जनेऊ धारण करता है और रुद्राक्ष पहनता है, कहीं से भी रावण अलाउद्दीन खिलजी जैसा नहीं लग रहा है, प्लीज आप भी कंपेयर भी मत कीजिए उन दोनों कैरेक्टर के बीच। देखिए ओम राउत ने फिल्म का बाकी सारे कैरेक्टर के लुक पर भी अपना रिएक्शन दे दिया है। उनका कहना है, आज की ऑडियंस मार्वल स्पाइडरमैन जैसे फिल्में देखती है, उन्हें अपना सुपर हीरो मानती है, इसलिए हमने भी आदि पुरुष में रामायण के सारे कैरेक्टर को नई जनरेशन के लिए तैयार किया है, ताकि यहाँ के लोग भी प्राउड से अपने एंसेंट हीरो अंगद सुग्रीव जैसे वीर बानर को अपना सुपर हीरो मान सके। देखिए यही था ओम राउत का नजरिया आदि पुरुष के ऊपर। उसे पता नहीं आदि पुरुष को बनाने के पीछे ये मकसद ओम राउत का ठीक है या नहीं, ये सवाल का जवाब आप ही हमें कमेंट में बता दीजिए। और वैसे कुछ दिन पहले आदि पुरुष के मेकर्स ने एक और इवेंट अरेंज किया था हैदराबाद में, जहां प्रभास सर भी थे, और वही उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है टीजर को जितना हो सके उतना ज्यादा थिएटर में रिलीज किया जाएगा। वेट कीजिए अपन नजदीक के थिएटर में कब आता है आदि पुरुष का टीजर है। बाकी आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक आप सभी को अलविदा।